Good afternoon, students. You are welcome to Anil Classes. Today we are going to discuss with you some questions related to Archimedes principle. Archimedes principle पर आधारित कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं. जैसे कि एक क्वेश्चन होता है, Why iron nail sinks in water? But not see. लोहे का कील पानी में डूब जा रहा है लेकिन लोहे का जहाज पानी में नहीं डूबता है. इसी तरह और भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे हाउ फिश एंड सबमरीन स्विम इन वाटर. दीज आर सम क्वेश्चंस. ऑल दीज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल. सो यू आर गोइंग टू डिस्कस द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस वन बाय वन. पहला क्वेश्चन है कि नील क्यों पानी में डूबता है जबकि जहाज नहीं डूबता है. इससे पहले हमें ये जानना होगा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है. आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में हमने पढ़ा है. क्या पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पानी में डुबाया जाता है, पानी में फुल्ली या पार्शियली डुबाया जाता है, तो क्या होता है, उस पर एक अपथ्रस्ट लगता है, उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है. वो अपवर्ड फोर्स अपथ्रस्ट कितना होता है, जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा. वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस जितना वस्तु पानी डिस्प्लेस करेगा उतना ही अपथ्रस्ट होगा. इतना तो हम समझ गए, अपथ्रस्ट उतना. अपथ्रस्ट मतलब उस पर लगने वाला बल. जैसे कि मान लीजिए कील है, ये कोई कील है, ये पानी में क्या होता है, डूब जाता है. इस पर जो लगने वाला अपथ्रस्ट है, जो ऊपर की ओर जो फोर्स लगता है, उसको कहते हैं क्या, अपथ्रस्ट. इसका जो वेट हो गया डब्ल्यू वेट, अगर ये अपथ्रस्ट जो हुआ, अगर अपथ्रस्ट लेस है, कम है वेट से, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट से अगर अपथ्रस्ट कम है तो वस्तु क्या करेगा, पानी में डूब जाएगा. ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, कील के संदर्भ में भी यही बात है. कील द्वारा जो पानी डिस्प्लेस किया जाता है, उसका मास, उसका वेट जो है अपथ्रस्ट से ज्यादा है. उसका जो अपथ्रस्ट कितना होगा, जितना कि पानी डिस्प्लेस करेगा, कौन, कील, इस पर उतना ही क्या लगेगा, अपथ्रस्ट लगेगा. अपथ्रस्ट यहां पर क्या है, इसका वेट से कम अपथ्रस्ट है. अपथ्रस्ट कम है, वेट ऑब्जेक्ट का ज्यादा है, इसलिए क्या होगा, कील पानी में डूब जाएगा. कील क्या करेगा, नेल सिंक इन वाटर, सिंक इन वाटर बिकॉज द वाटर डिस्प्लेस, बिकॉज द वाटर डिस्प्लेस्ड बाई द नेल इज लेसर देन द वेट ऑफ एन नेल. लेकिन होता है कि अब सीप में क्या होता है, सीप के केस में
सीप को जिस तरह डिजाइन किया जाता है उसके द्वारा डिस्प्लेस किया गया वाटर, सीप के द्वारा डिस्प्लेस किया गया वाटर जो होता है वो क्या होता है, इसका वेट, सीप का वेट W, मान लीजिए कि W बराबर 50,000 टन है, 50,000 टन है, ठीक है। इसमें अब थ्रस्ट भी कितना लगेगा, अब थ्रस्ट भी उतना ही लगेगा। अब थ्रस्ट, अब दूसरे केस में क्या है, या सीप के केस में दिस सिचुएशन इज समवॉट डिफरेंट। इसमें डिफरेंट क्या हो जाता है, अब थ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द सीप इज सो डिजाइन, इट डिजाइन इज सो दैट द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सीप इज इक्वल टू द वेट ऑफ द सीप, सो सीप कैन फ्लोट। सीप जितना पानी डिस्प्ले, अगर 50,000 टन का सीप है तो 50,000 टन का बराबर अब थ्रस्ट लग रहा है, उतना 50,000 टन वाटर डिस्प्लेस कर रहा है। जितना ये वाटर डिस्प्लेस कर रहा है, ये डिस्प्लेस्ड वाटर भी कितना है, 50,000 टन है, तब क्या होगा, ये पानी में फ्लोट करेगा, इसलिए पानी में फ्लोट करता है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सो शिप कैन फ्लोट बट नॉट लेव। This is the answer of the questions. And the next question is पहले कहे गए क्या था कि सबमरीन और मछली दोनों में क्या होता है, स्विमिंग करता है, स्विमिंग करने पानी में ऊपर भी फ्लोट कर सकता है और नीचे भी ड्राउन कर सकता है, नीचे भी डूब सकता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सबमरीन का डिजाइन जो होता है कुछ इस तरह बनाया गया होता है, उसमें एक ब्लास्ट टैंक होता है। सबमरीन में क्या होता है, सबमरीन जिसको पनडुब्बी कहा जाता है, इसमें ब्लास्ट टैंक होता है। अगर इसको नीचे आना होता है, पानी के भीतर आना होता है, तो ब्लास्ट टैंक में क्या होता है, पानी भर जाता है। पानी भरने के बाद इसका वेट बढ़ा, किसका, सबमरीन का वेट बढ़ा, सबमरीन का वेट बढ़ा तो पानी के भीतर चला आता है, ठीक है। और जब इसको ऊपर आना होता है, जब सबमरीन को ऊपर आना होता है, तो ब्लास्ट टैंक का पानी निकाल देता है। पानी निकल जाने के बाद क्या होगा, उसके द्वारा जो डिस्प्लेस्ड वाटर है उतना ही इसका भी अपथ्रस्ट, जितना अपथ्रस्ट है उतना ही इसका वेट भी हो जाता है, इसलिए ये फ्लोट करने लगता है। ऐसे ही केस होता है फिश के साथ में, फिश में कुछ बायोलॉजिकल अडेप्टेशन तो होता ही है, बायोलॉजिकल अडेप्टेशन मीन्स उसको फ्लोट, उसको स्विम करने के लिए एक खास स्ट्रक्चर होता है, अर्थात उसका, अगर फिश का केस लिया जाए, दिस इज द फिश, ये फिश है, फिश में क्या होता है, इसका स्ट्रीम, स्ट्रीम लाइन बॉडी कहा जाता है, या बोट शेप्ड बॉडी होता है, इसका बोनी स्ट्रक्चर जो होता है लाइटर बोन होता है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या होता है, तो इस समय फिन होता है, फिन्स एंड टेल, ये सब बात तो कुछ बायोलॉजिकल बात है, ये सब होता है एडप्टेशन जिसके कारण स्विम करता है, लेकिन इसमें होता क्या है, ये भी पनडुब्बी के तरह नीचे भी जा सकता है, ऊपर सरफेस पर भी स्विम करता है। अगर इसको नीचे जाना रहता है, इसमें होता है क्या, स्विम ब्लाडर होता है, स्विम ब्लाडर, स्विम ब्लाडर या एयर ब्लाडर का है ये होता है। अगर इसमें एयर भर जाएगा, एयर भर जाएगा तो इसको क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसके द्वारा डिस्प्लेस किया गया वाटर बढ़ेगा, अगर डिस्प्लेस वाटर का अमाउंट बढ़ेगा तो क्या होगा, आप थ्रस्ट बढ़ेगा। अब थ्रस्ट कब बढ़ेगा, तो डिस्प्लेस्ड वाटर बढ़ेगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर
इतना बराबर अप थ्रस्ट होगा। अगर इतना बराबर इसका वेट के बराबर अगर अप थ्रस्ट है फिश का वेट का बराबर, तो फिश क्या करता है पानी के सतह पर ऊपर चलने लगता है, तैरने लगता है, ठीक है। लेकिन जब इसको नीचे जाना होता है सबमरीन की तरह, नीचे डूबना होता है पानी के सतह पर पोखरी के पीड़ की तरफ, तब क्या करता है ये अपना इसमें का एयर खाली कर देता है। खाली करने के बाद क्या होता है इसका वॉल्यूम कुछ डाउन होता है, वॉल्यूम कुछ कम हो जाता है, जिसके कारण इस पर लगने वाला इसके वेट, इस पर लगने वाला अप थ्रस्ट घट जाता है। अप थ्रस्ट घट जाएगा, वेट वही रहेगा लेकिन अप थ्रस्ट घट गया, इसीलिए वो इजिली नीचे जा सकता है। सबमरीन केस में भी वैसा ही था, इसका इसका जब ब्लास्ट टैंक से पानी हट जाता है तो क्या होता है ब्लास्ट टैंक खाली हो जाने को, तो एयर भर जाने के बाद इसमें ये ऊपर की ओर जाता है। इस तरह वी कैन गिव आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, दीज ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड यू कैन आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस इन दिस वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।